Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका एजुकेटर अभिजीत मिश्रा आपके साथ, और आज हम बात करने वाले हैं 17 अप्रैल करंट अफेयर्स की। आई होप कि सब लोग नहा धो के आ चुके होंगे, फ्रेश होकर बढ़िया चाय और कॉफ़ी के साथ हमारा शो देख रहे होंगे और नोट्स भी बना रहे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की, और क्या क्या पढ़ेंगे वो हम बात करेंगे, लेकिन पहले मोटिवेशनल कोच जो आपको कंप्यूटर जी यहाँ पर दिखाएंगे। तो मोटिवेशनल कोच का मतलब ये है कि जो भी आपके सपने हैं लॉन्ग टर्म के या शॉर्ट टर्म के, आप जब तक अपने उस सपने को अचीव नहीं कर लेते हो, आपको लगे रहना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूस काम करना पड़ेगा। मतलब एक शेड्यूल जो बन जाता है ना, उस शेड्यूल के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। शादी में चले गए दोस्त की, या सीरियल्स आ रहे हैं, या कुछ ऐसा आईपीएल आ रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं, कल पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे, ये सब मत करिए। कॉन्टिन्यूस एफर्ट, अगर डेली 8 घंटे पढ़ने हैं तो 8 आवर पढ़ने हैं, डेली स्पीड टेस्ट लगाना है तो लगाना है। ये ज़िद करनी पड़ेगी आपको, भैया ये एक त्याग है, ये एक युद्ध है। युद्ध का मतलब आपस में लड़ लो ये नहीं। त्याग का मतलब क्या होता है, विद्यार्थी के 5 लक्षण आप जानते हैं ना, ये त्याग है बेटा। त्याग करिए और उसे कॉन्टिन्यूस करिए। कंफर्टेबल जोन से बाहर आना पड़ेगा कुछ करने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की, और आपको दिखाते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं इंडेक्स में। तो ब्रांड एम्बेसडर से लेके एक्स्ट्रा हाईलाइट तक आपको हम आज पढ़ाने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो ब्रांड एम्बेसडर से एक्स्ट्रा हाईलाइट क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रेडबस की। रेडबस, इसके पहले अल्लू अर्जुन, वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर फ्रॉम साउथ इंडिया, तो अल्लू अर्जुन पहले ब्रांड एम्बेसडर थे, लेकिन अब हो गए हैं महेंद्र सिंह धोनी रेडबस के ब्रांड एम्बेसडर। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं MS धोनी ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रेडबस, ठीक है। बस इतना ही पढ़ना है आपको कि रेडबस जो है इसने MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट कर लिया है, और अब बहुत जल्दी एडवर्टीजमेंट में MS धोनी आने वाले हैं, ठीक है। तो इतना ही पढ़ना है ब्रांड एम्बेसडर में। आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे रेडबस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दें। रेडबस 2006 में फाउंड किया गया, प्रकाश संगम इसके CEO हैं, हेडक्वार्टर बेंगलुरु, और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन IBBO। IBBO जानते होंगे आप लोग ना, IBBO ऑनलाइन जैसे हम होटल्स बुक करते हैं या फिर ट्रैवलिंग के लिए फ्लाइट या ट्रेन बुक करते हैं। इतना ही पढ़ना है आपको, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे रेडबस ने अल्लू अर्जुन को हटाकर MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया, ठीक है। आगे बढ़ें, और यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ रिसेंटली अपॉइंटेड ब्रांड एम्बेसडर की एक लिस्ट दे रहे हैं हम लोग आपको। रिवीजन पे बहुत टाइम नहीं लेंगे, बहुत लोग नाराज हो जाते हैं रिवीजन पे, ठीक। तो यहाँ पर नेम ऑफ द ब्रांड एंड कैंपेन एंड पर्सन की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं, ठीक है। ये स्लाइड है, PDF में एक बार आप देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा चीज़ों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा देख लेते हैं। यहाँ पर चलिए नेशनल अफेयर्स की बात करें तो बैम्बू राइस इन ओडिशा आफ्टर 4 डिकेड। 1979 में लास्ट टाइम बैम्बू से राइस निकलते हुए देखा गया था, और 4 दशक के बाद उड़ीसा में फिर से बैम्बू के राइस को देखा गया है। हम इसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, यानी इन्वायरमेंट इकोलॉजी का पॉइंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज 1979 के बाद ऐसा हुआ है। देखिए यहाँ पर, बैम्बू राइस वॉज सोन अप इन ओडिशा नियरली आफ्टर 4 डिकेड। तो ओडिशा में लगभग 4 दशकों के बाद बांस के चावल दिखाई दिए हैं। लास्ट टाइम ये 1979 में दिखाई दिए थे, ठीक है। तो 4 दशकों मतलब 4 डिकेड के बाद हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। अब किस स्टेट में, अगर एग्जाम में क्वेश्चन है किस स्टेट में, तो ओडिशा, ठीक है। ये आपको मालूम चल गया है। और ओडिशा में कहाँ पर, तो आइए उसकी बात कर लेते हैं। द फॉरेस्ट अथॉरिटीज ऑफ, देखिए यहाँ पे, चंद्रका दंपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी चंद्रका दंपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में है, तो ओडिशा आपको मालूम चल गया, जो कि ओडिशा के कटक डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ के बैम्बूज में ये राइस पाए गए हैं, और यहाँ के जो वन अधिकारी हैं इन्होंने नॉर्मल पब्लिक के लिए, जो आदिवासी रहते हैं उनके लिए ओपन कर दिया है, क्योंकि बैम्बू के राइस से जो रैट्स होते हैं, चूहे होते हैं, उनकी संख्या बढ़ने का अनुमान होता है, जिससे बैम्बू के को ही नुकसान पहुँचेगा। तो ये चावल डिस्ट्रीब्यूट कर लिए जाएंगे, ठीक है। तो द रेयर राइस ग्रोन आउट अ डाइंग बैम्बू शूट, तो सूखे बांस के तने से दुर्लभ चावल निकलता है, ये बताया जा रहा है, ठीक है। तो आपने ये पॉइंट पढ़ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं और आपको ओडिशा के कुछ स्टैटिक पॉइंट की बात करते हैं। ओडिशा गवर्नर गणेशी लाल, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है। आगे बात करें तो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो ओडिशा में है वो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। पीडीएफ में हमारे होगा, इसे आपको एक बार रिविजन कर लेना, क्योंकि याद तो आपने कर लिया होगा। हम कई बार आपको ये दिखाते हैं कि आप इसे याद कर लें, आप इसे याद कर लें, आप इसे याद तो कर लिए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। नहीं याद किए कोई बात नहीं, याद कर लीजिएगा। रिवर की बात करते हैं तो यहाँ पर 4 रिवर हैं जो आपको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। रिवर आपके सामने यहाँ पर आ गया। लेक्स की बात करें, चिल्का लेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता ही है, ठीक। तो याद करना ही है आपको। आइए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, बैम्बू को ग्रीन गोल्ड भी कहते हैं, कहा गया है 2017-18 के बजट में, ठीक। आइए अब देखो, ये जो डीकमीशन्ड होते हैं ना, जो शिप होते हैं, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी आईएनएस कोझिकोड़े जो है ये डीकमीशन्ड हुआ है, ये सेवा मुक्त हो गया है। कहाँ पर हुआ है, आइए इसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पर तो इंडियन नेवल शिप कोझिकोड़े वॉज डीकमीशन्ड इन अ ग्रैंड सेरेमनी कंडक्टेड इन नेवल जेट्टी इन विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम के जो बेड़ा है, जो फ्लीट है, वहाँ से कोझिकोड़े को सेवामुक्त डीकमीशन्ड कर दिया गया है। ये पॉइंट पहले समझिए, विशाखापट्टनम याद कर लीजिएगा, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाइस एडमिरल एसएन घोरमोड़े, चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नेवल कमांड, वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ द ओकेजन। यानी कि एक पॉइंट आपको यहाँ पर यह भी याद हो गया कि भाई चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नेवल कमांड कौन है। तो ये अभी इनका रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इनका नाम याद कर लीजिएगा, ये यहाँ पर चीफ गेस्ट थे, ठीक। आगे बढ़ते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई आईएनएस कोझिकोड़े को अभी डीकमीशन किया गया, तो इसे इंडिया में हमारे फ्लीट में कब शामिल किया गया था। तो 1988 में इसको शामिल किया गया था। हमने ये यूएसएसआर मतलब कि सोवियत संघ, मतलब कि रशिया से ये परचेस किया था। तो रसिया से परचेस किया था, 1988 में इसे कमीशन किया गया था और अभी इसे डीकमीशन कर दिया गया है। इस मौके पर चीफ गेस्ट कौन थे, ये सारे पॉइंट हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ बच्चों ने मुझे कल मेल किया था या कमेंट भी किया था कि सर इंडिया के डिफेंस जो वेपन्स हैं लाइक हेलीकॉप्टर, मिसाइल, इन सब के बारे में भी इंफॉर्मेशन दें। मैं आपको हालांकि ये पहले दे चुका हूँ। देखिए तो लिस्ट ऑफ हेलीकॉप्टर विथ इंडिया डिफेंस फोर्सेस की एक इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है, ये देख लीजिए यहाँ पर किस कंट्री से हमने परचेस किया और ये किस काम में आता है हमारे, ठीक। और रिसेंटली अगर बात करें तो आपको पता है कि चिनूक हेलीकॉप्टर का पहला बैच इंडिया को मिला है, 4 हेलीकॉप्टर जो कि हमारे गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर आए और वहाँ से हमने रिसीव किए। चिनूक हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है तो एग्जाम में आ सकती है। आगे बढ़ते हैं, डिफेंस में ही एक न्यूज़ और, तो निर्भया मिसाइल का सक्सेसफुली परीक्षण कर लिया है डीआरडीओ ने, आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। अब निर्भया मिसाइल से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, आइए हम उस सारे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन बनेगा ज़रूर, कैसे क्वेश्चन बनेंगे हम उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। देखिए तो इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर इट फर्स्ट सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय। ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबसोनिक? देखिए आपने सुना है 2 तरह के मिसाइल का नाम, एक सुपरसोनिक और एक सबसोनिक। सुपरसोनिक का मतलब होता है कि ये जो मिसाइल है इसकी स्पीड साउंड के स्पीड से ज़्यादा होती है, बराबर होती है, और सबसोनिक का मतलब होता है कि साउंड के स्पीड से कम होती है। तो निर्भया जो है ये हमारे देश का पहला सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसका परीक्षण किया गया है। कहाँ से किया गया, तो ओडिशा से किया गया 11:44 AM पे, 11:44 AM पे इसका हमने परीक्षण किया। और आगे बढ़े और भी इंफॉर्मेशन आपको दिखाएं। देखिए तो डीआरडीओ ने इसे चांदीपुर डिस्ट्रिक्ट से ओडिशा से इसका परीक्षण किया, ये बात देख लीजिए। और निर्भय मिसाइल की बात करें तो पहली बार इसका सक्सेसफुल परीक्षण कब किया गया था, 7 नवंबर 2017 को इसका परीक्षण किया गया था। आगे बात करें तो निर्भय इज डिज़ाइन टू कैरी कन्वेंशनल एंड 300 किलोग्राम न्यूक्लियर वॉरहेड। तो निर्भय जो मिसाइल है ये 300 किलोग्राम का न्यूक्लियर वॉरहेड अपने साथ लेके जा सकती है। मीन्स अगर हमें पाकिस्तान पे अटैक करना है, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक, तो 300 kg का न्यूक्लियर वॉरहेड ये अपने ऊपर लोड ले सकती है, ठीक है। द मिसाइल वेट 1500 kg, 1500 kg इसका वेट है। 0.52 मीटर इसकी चौड़ाई है और इसके जो विंग्स हैं तो विंग्स की लंबाई है 2.7 मीटर। हमने ये भी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। ध्यान देना ये सारे पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे पॉइंट आपको लर्न करने हैं, ठीक है। आगे बढ़े, अब रेंज की बात कर लें तो ये 1000 किलोमीटर रेंज का है, ये 1000 किलोमीटर इसका रेंज है। एक बात याद रखिएगा कि ये बेटा मल्टीपर्पज़ मिसाइल है। मतलब आप इसे कैसे भी चला सकते हो, आप चाहे सी से, चाहे एयर से और चाहे लैंड से इसको आप चला सकते हो। सबसे अच्छी बात इसकी ये है, और इंडिया भी अब काफ़ी ताकतवर बन जाएगा निर्भय मिसाइल के आने से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे नेक्स्ट पॉइंट की। तो यहाँ पर हमने आपको लिस्ट ऑफ मिसाइल विथ इंडियन डिफेंस सिस्टम दे दिया पूरा, लाइक पिनाका, आकाश, नाग। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जस्ट लाइक हेलिना किस तरह की मिसाइल है, नाग किस तरह का मिसाइल है, आकाश किस तरह का मिसाइल है। ये अगर आप पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, वो आपके ऊपर होता है। ठीक है, सब आपस में बातचीत चल रही है, ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया, अच्छा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, देख लीजिए यहाँ पर। ठीक, देखिए तो ये सारे पॉइंट हैं। डीआरडीओ के बारे में कई बार मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। डीआरडीओ तो 1958 में इसको बनाया गया था, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, आपको ये सब तो पता ही है। इसके चीफ कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ। और इसके मतलब कि कौन सी मिनिस्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हमारी डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इसकी हेड होती हैं। ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ाया, पहले ही पढ़ाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रिसेंट डिफेंस एक्सरसाइज इन 2019 एक रिवीजन है, आप देख लीजिएगा, पीडीएफ में ये सब होगा। ठीक है, सब देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और आपको बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट पोस्ट होल्डर इन डिफेंस। तो इंपॉर्टेंट पोस्ट होल्डर इन डिफेंस लाइक जैसे चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ नेवी, चीफ ऑफ एयर, या फिर अगर हम बात करें तो इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ चीफ कौन है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स चीफ कौन है, वो भी लिस्ट हमने आपको यहाँ पर दे दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे अजय कुमार बोल रहे हैं पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ दे दीजिए, मतलब कि पीडीएफ दे दे। अरे क्यों दे दे भाई, थोड़ा रुको, थोड़ा ख़त्म हो जाने दो, फिर पीडीएफ आराम से लेना। तो यहाँ पर बिजनेस और इकोनॉमी की एक न्यूज़ है कि एनबीएफसी रेस रुपीज़ 26,000 करोड़। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ने वित्तीय वर्ष में 26,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। मतलब कि जो आपका ये 2018-19 का फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है, उसमें एनबीएफसीज ने 26,000 करोड़ रुपीज़ उठाए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए एनबीएफसीज के बारे में मैं पहले भी आपको एग्जांपल दे चुका हूँ कि एनबीएफसीज का मतलब क्या होता है। जैसे मुथूट फाइनेंस हो गया है ना, इंडिया बुल्स हो गई, या मणिपुरम गोल्ड लोन हो गया। तो जब ये लोन बांटते हैं तो ये भी अपने कस्टमर से कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखते हैं। कस्टमर ने क्या किया, इन एनबीएफसीज का पैसा नहीं दिया। तो होता क्या था कि एनबीएफसीज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अप्रूवल का वेट करता था, लेकिन अब इसे बड़ा स्पीडीली कर दिया गया है। अब क्या होता है कि एनबीएफसीज अपने कस्टमर की जो सिक्योरिटी है उसको सेल करके पैसा निकाल सकती है, यही हुआ है। तो एनबीएफसीज ने इस तरह से 26,000 करोड़ रुपीज उठाए हैं। आगे देखिए तो बात क्लियर हो जाएगी। देखिए यहाँ पर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड माइक्रो फाइनेंस कंपनीज रेज्ड अबाउट 26,200 करोड़ थ्रू सिक्योरिटाइजेशन। दोस्तों सिक्योरिटाइजेशन का मतलब यही होता है कि जो कस्टमर है जिसने आपके पास सिक्योरिटी रख के लोन लिया है, आप उसकी सिक्योरिटी पे अधिकार कर लेते हैं अगर वो आपका पैसा वापस टाइम पे नहीं करता है। तो 26,200 करोड़ रुपीज़ इस तरह से उठाया गया है पैसा। और अगर हम फाइनेंशियल ईयर 18 की बात करें, 17-18 की बात करें, तो करीब 170% ग्रोथ हमें देखा गया है। आगे बात करें, अगर हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो एनबीएफसी ने केवल 9,700 करोड़ रुपीस ही रेस किए थे इस तरह से, लेकिन अब ये 26,200 करोड़ तक पहुंच गया है। इंप्रेसिव, बढ़िया पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, तो ये एनबीएफसीज, ये माइक्रो फाइनेंस कंपनीज क्या होती हैं, तो मैंने आपको बताया क्या कि एनबीएफसीज और माइक्रो फाइनेंस कंपनी का मतलब होता है बेटा ये भी एक कंपनी होती हैं, बैंक की तरह वर्क करती हैं, और ये अपने कस्टमर को लोन वोन बांटती रहती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी आपको मैं दूंगा, आगे दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन मतलब माइक्रो फाइनेंस कंपनीज क्या होती हैं? देखिए माइक्रो फाइनेंस कंपनी ऐसी कंपनी होती हैं जो छोटे छोटे लोन बांटती हैं, स्मॉल लोन बांटती हैं। ठीक है, ये पूरी डेफिनेशन में यही आपको समझाया गया है। मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बोल दे रहा हूँ, स्मॉल फाइनेंशियल बिजनेस करती हैं ये। ठीक है, ये किस तरह काम करती हैं, तो ये 4 तरीक़ों से काम करती हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे रूरल कोऑपरेटिव्स, ग्रामीण बैंक मॉडल, एसएचजी या जेएलजी मतलब ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप, ये इस तरह से काम करती हैं। और अगर हम बात करें एनबीएफसीज की, तो ये आपके कुछ एनबीएफसीज के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं एग्जाम्पल पे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एनबीएफसी और बैंक में क्या डिफरेंस होता है ये भी आप पढ़ सकते हैं। मैंने हालांकि पहले भी इसे एक्सप्लेन किया है कि एक एनबीएफसी और एक बैंक में क्या डिफरेंसेस होता है, तो ये भी आप यहाँ पे हमारे पीडीएफ से देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर नॉन परफॉर्मिंग असेट क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई पर्सन बैंक से या किसी एनबीएफसी से लोन लेता है, मान लीजिए उसने लोन लिया तो उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर उस पर्सन को 1 तारीख को बैंक को या एनबीएफसी को इंटरेस्ट देना है, वो नहीं देता है और इस तारीख से कॉन्टिन्यूस 90 डेज़ का गैप हो जाता है, तो जैसे ही 90 डेज़ ख़त्म होते हैं बैंक या एनबीएफसी इसे नॉन परफॉर्मिंग असेट में डिक्लेयर कर देता है। ठीक, ये सब मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ आपको। और अगर एनपीए की बात करें तो एनपीए की 3 कैटेगरीज होती हैं, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस असेट। आपको ये मैंने पढ़ाया है भाई, एनपीए से फिर 1 साल तो सब स्टैंडर्ड से 1 साल तो डाउट और डाउट से 1 साल तो लॉस असेट। ये सब पढ़ा चुके हैं, तब पता होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको और दे दी है, लिस्ट ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ एंड हेडक्वार्टर। अगर टाइम मिले अपना अमूल्य समय निकालेंगे तो इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिजनेस इकोनॉमी की एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। इंडिया ने चाइना के साथ अपना ट्रेड डेफिसिट कम कर लिया है। इसका मतलब क्या होता है, देखो ये समझना पड़ेगा। इंडिया और चाइना से कॉन्टिन्यूस जो ट्रेड है इंडिया चाइना का, वो अच्छा बढ़ रहा है। ठीक, लेकिन समझने वाली बात क्या है, जैसे मान लीजिए हम इंडिया और चाइना की बात करें, ये है इंडिया और ये है चाइना। ठीक, अब सपोज करिए कि इंडिया चाइना से इम्पोर्ट करता है मान लीजिए 100 रुपये के प्रोडक्ट, 100 रुपये के, लेकिन चाइना इंडिया से केवल 20 रुपये के प्रोडक्ट ही इंपोर्ट करता है, तो ये घाटा हमारा है। मतलब हम चाइना से ज़्यादा सामान इंपोर्ट कर रहे हैं लेकिन चाइना हमसे कम सामान इंपोर्ट कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। और अभी क्या हुआ कि मेक इन इंडिया के अंतर्गत हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें अब बनने लगी हैं, तो उसके लिए चीन पर डिपेंडेंसी हमारी कम हो गई है। तो हमने ऑलरेडी चीन से इम्पोर्ट करना कम कर दिया है और हम ट्राई कर रहे हैं चीन को अपना सामान एक्सपोर्ट करने के लिए। तो इंडिया ने अपने एक्सपोर्ट को चाइना के अगेंस्ट बढ़ा लिया है और इम्पोर्ट को चाइना के अगेंस्ट कम कर लिया है। ये अच्छी खबर है हमारे देश के लिए, इससे चाइना को बहुत फायदा मिलता था, लेकिन अब धीरे धीरे हमने अपना ट्रेड डेफिसिट कम करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो भाई ये होना चाहिए ना, जितने का सामान हम खरीद रहे हैं उतने का सामान आप खरीदो, तो सही है। लेकिन चाइना ऐसा नहीं करता था, लेकिन हमने स्ट्रेटजीज बनाकर उसको बाउंड कर दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो इंडिया कट ट्रेड डेफिसिट विथ चाइना बाई द मोस्ट इन मोर देन अ डिकेड। ठीक है, देखिए इंडिया एक्सपोर्ट टू चाइना जंप 31% ईयर ऑन ईयर to $17 बिलियन in the financial year ended March 31, 2019। मतलब कि 2018-19 ख़त्म होते होते हमने अपने एक्सपोर्ट को चाइना जो से हम करते थे 31% इंक्रीज़ कर लिया है और अभी हमारा एक्सपोर्ट चाइना से $17 बिलियन का हो गया। मतलब इतने का चीज़ हम चाइना को सेल कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी खबर है, अच्छी बात है। ठीक, और अगर आगे बढ़ें, इन द प्रोसेस इट कट द बायलेटरल ट्रेड डेफिसिट बाई $10 बिलियन टू $53 बिलियन। यानी अभी तक हमारा जो चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट था वो $53 बिलियन तक पहुंचता था और हमने कितना कम कर लिया, हम इसको $10 बिलियन तक लेकर आ गए। पहले हमारा लॉस $53 बिलियन था लेकिन अब $10 बिलियन, तो काफ़ी अच्छा काम किया है हमने यहाँ पर, है ना। तो ये पॉइंट देख लीजिए, डेटा को नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो चाइना के बारे में थोड़े से इन्फॉर्मेशन की बात कर लें। अगर हम चाइना की बात करते हैं तो कैपिटल बीजिंग, करेंसी रेनमिबी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो चाइना के साथ सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है। वैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये लोग चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन की बात यहाँ पर हम करने वाले हैं। अपॉइंटमेंट की बात करेंगे, जितेंद्र चड्ढा जो हैं ये नए चेयरमैन बने हैं इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के, IESA, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के। आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, आइए। तो इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन ने अपॉइंट किया है जितेंद्र चड्ढा को एज इट्स चेयरमैन, तो ये आपको याद करना है। इसके बाद IESA ऑल्सो अपॉइंटेड सत्या गुप्ता एज द न्यू वाइस चेयरमैन एंड वीरप्पन वी एज द न्यू ट्रेजरर। मतलब कि जो नहीं होते कोषाध्यक्ष जो होते हैं, मतलब जो पूरे पैसे का देखभाल करते हैं। तो ये 3 नाम हैं, मैंने आपको 3 नाम बताए हैं एक ही कंपनी में। कंपनी का नाम क्या है, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन। कंपनी का मतलब एक ग्रुप है ये। तो इस ग्रुप में जितेंद्र चड्ढा, सत्या गुप्ता और वीरप्पन वी को अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन, एज अ डिप्टी चेयरमैन एंड एज अ ट्रेजरर। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ें, तो रिसेंट अपॉइंटमेंट 2019 की एक टेबुलर फॉर्म में लिस्ट हमने आपको दी है। अगर आपका अमूल्य समय से निकाल के थोड़ा टाइम मिले तो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, तो ये एक केमिकल कंपोनेंट होते हैं। इनको इस तरह से बनाया जाता है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है या फिर जो भी हम चाहते हैं जो एनर्जी को ट्रांसफ़र करना वो इसके थ्रू हो सकती है। तो सेमीकंडक्टर बचपन से हम लोग पढ़े हुए हैं, है ना, तो उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। हम आगे बढ़ते हैं, डेज और इवेंट की बात करते हैं। तो 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश ने अपना 72वां स्टेट डे सेलिब्रेट किया, 72वां राज्य दिवस मनाया गया, ठीक। देख लीजिए यहाँ पर द 72वां, ये आपको लर्न करना है। 72वां हिमाचल डे वॉज सेलिब्रेटेड विथ ग्रेटली एंड फेवर इन स्टेट ऑफ 15 अप्रैल 2019। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत है, तो ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश ने 15 अप्रैल को अपना 72वां हिमाचल डे सेलिब्रेट किया, ये इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश इंडिया के मैप पे कहाँ पे एग्जिस्ट करता है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। हिमाचल प्रदेश के कुछ स्टैटिक पॉइंट की अगर बात करें, चीफ मिनिस्टर कौन है, गवर्नर कौन है, कैपिटल क्या है, नेशनल पार्क कौन कौन से हिमाचल प्रदेश में है वो भी आप देख पा रहे हो, है ना। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन हिमाचल प्रदेश कौन कौन से हैं, किस किस जगह पे हैं, हमने इसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको दी है। यूनेस्को हेरिटेज साइट जरूर पढ़ लीजिएगा जो आपके हिमाचल प्रदेश में है। फेमस टेम्पल्स इन हिमाचल प्रदेश वो भी हमने आपको यहाँ पर दिखा दिया है, ठीक। चलिए तो आगे बढ़ेंगे और इम्पॉर्टेंट डेज की बात करें तो इंडियन डिफेंस के लिए कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डेज हैं, हमने उसकी भी लिस्ट आपको टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर दे दी है, अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया कौन कौन सी है ये भी देख लीजिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन हमने एक साथ आपको दे दी है यहाँ पर, ठीक, पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अवार्ड और ऑनर की बात करते हैं। पुलित्जर प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं और पुलित्जर प्राइज़ हमेशा से एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी रहा है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स को और वॉल स्ट्रीट जर्नल को पुलित्जर प्राइज़ मिला है इस बार का। पुलित्जर प्राइज़ बेसिकली जर्नलिज्म के लिए दिया जाता है और इन दोनों न्यूज़पेपर ने डोनाल्ड ट्रंप के परिवार का इन्वेस्टिगेशन किया था, इसीलिए इनको ये अवार्ड दिए गए हैं पुलित्जर। आइए देखते हैं और पॉइंट क्या क्या हमको पढ़ने हैं, देख लीजिए। तो न्यूयॉर्क टाइम्स and the Wall Street Journal were awarded Pulitzer Prize for their separate investigations of President Donald Trump and his family. तो इसके लिए इनको Pulitzer Prize दिया गया, दोनों लोग को देख लीजिए यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, देखिए इसके साथ ही साथ द एसोसिएटेड प्रेस को भी पुलित्जर प्राइज़ मिला है फॉर इंटरनेशनल रिपोर्टिंग फॉर इट्स कवरेज ऑफ द वॉर इन यमन। तो यमन में जो वॉर हुआ है उसके कवरेज के लिए एसोसिएटेड प्रेस को भी पुलित्जर मिला है। रॉयटर्स, कल हम लोग बात इसी कर रहे थे, रॉयटर्स को भी पुलित्जर प्राइज़ मिला है रिपोर्टिंग करने के लिए जो रोहिंग्या मुस्लिम के साथ म्यांमार में हुआ, उसके लिए इनको भी मिला है क्या, पुलित्जर प्राइज़। तो चार नेम हमने आपको बता दिए, एक वॉल स्ट्रीट, एक न्यूयॉर्क टाइम्स, एक एसोसिएटेड प्रेस और एक राउटर्स, इन लोग को, ठीक। लेकिन और भी लिस्ट है, हम आपको उस लिस्ट की बात करेंगे यहाँ पर, लेकिन उसके पहले पुलित्जर प्राइज़ के स्टैटिक पॉइंट। तो ये जो अवार्ड है ये एक्सेलेंस इन न्यूज़पेपर जर्नलिज्म, लिटरेसी अचीवमेंट और म्यूजिकल कंपोजिशन के लिए भी दिया जाता है, ठीक। कंट्री यूएस में दिया जाता है, प्रेजेंटेड बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी और 1917 से ये दिया जा रहा है, ठीक है, पुलित्जर प्राइज़। तो ये कुछ पॉइंट हैं और अगर आगे बढ़े तो 21 कैटेगरीज में पुलित्जर प्राइज़ दिया जाता है और इसका जो कैश अवार्ड है वो $15,000 है जो कि 2017 में ही इंक्रीज़ किया गया है, ये भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं तो हियर इज़ द कंप्लीट लिस्ट ऑफ 2019 पुलित्जर प्राइज़ विनर्स, आपके सामने नाम है, आप इसे पढ़ सकते हैं, देख लीजिए। 11 लोग के नाम हमने आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की। तो यहाँ पर एक हम सोशल इश्यूज़ की बात कर रहे हैं। इस बार WHO ने पूरे वर्ल्ड को वार्निंग दी है कि मेजल्स जो है वो 300% इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो वैश्विक स्तर पर खसरे में 300% की वृद्धि होगी, एक रोग होता है मेजल्स, देखिए यहाँ पर आगे। WHO रेज्ड अलार्म over a 300% increase in the case of measles globally in the first quarter of 2019 compared with last year। यानी पहले क्वार्टर में ही, मतलब कि अप्रैल मई जून, इस फर्स्ट क्वार्टर में ही 300% मीजल्स के बढ़ने की संभावना है। और ये भी बोला गया है सो फॉर दिस ईयर 170 कंट्रीज हैव रिपोर्टेड 1,12,163 मीजल्स केसेस टू WHO। मतलब अगर इस साल की बात करें, मतलब जनवरी से बात करें तो जनवरी से इतने केसेस मीजल्स के WHO के सामने आ चुके हैं। और WHO ने यह भी बोला है कि इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा अफ्रीका में, बिकॉज अफ्रीका में वैक्सीनेशन कवरेज बहुत कम है, बहुत लो है, तो ये भी वार्न किया गया है, ठीक। 300% मीजल्स आपको इतना याद रखना है बस। अगर आप आगे बढ़ें WHO के बारे में बात करें, WHO के बारे में डेली आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो WHO का इस्टेब्लिशमेंट ईयर, हेडक्वार्टर और डायरेक्टर जनरल तीनों के नाम आपको याद होंगे, शायद कल भी हमने आपको दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्पोर्ट्स की बात करते हैं। तो स्पोर्ट्स में हम बात करेंगे बैडमिंटन की। हर्षिल दानी जो कि फॉर्मर नेशनल चैंपियन भी हैं बैडमिंटन के, इन्होंने डच टाइटल जीता। आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए तो फॉर्मर जूनियर नेशनल चैंपियन हर्षिल दानी, तो इन्होंने डच इंटरनेशनल बैडमिंटन टाइटल जीता। कहाँ पर? द हेग नीदरलैंड में। किसको हराकर? तो डेनमार्क के मैट्स क्रिस्टोफरसन को हराकर। तो इतना डीप में तो नहीं पूछेगा, बस इतना याद रखिए कि द हेग नीदरलैंड में ये ट्रॉफी हुई थी, डच इंटरनेशनल बैडमिंटन टाइटल, जिससे जीता है हर्षिल दानी ने। आपके सामने यहाँ पे नेम है, ठीक है। स्पोर्ट्स की हम बात कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी यहाँ पर क्या होने वाली है देख लीजिए। तो यहाँ पर अभी देखिए, कल मैंने आपको एक्स्ट्रा हाईलाइट में सिंगापुर ओपन के बारे में समझाया था। अब यहाँ पर मैंने आपको पूरी एक लिस्ट दे दी है विनर ऑफ सिंगापुर ओपन टाइटल। इसमें मेन सिंगल और वुमेन सिंगल दोनों याद कर लीजिएगा, वो दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस डबल, वुमेन्स डबल, मिक्स डबल, वो आपके ऊपर है कि आप इसे याद करते हैं कि नहीं करते हैं। वैसे अगर मैं अपना एडवाइस दूंगा तो मैं तो बोलूँगा कि जब हमें पता है कि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है तो हम सब कुछ याद क्यों नहीं करते हैं। हम क्यों इतने ज़्यादा अपने आप पर विश्वास करने लगते हैं कि यार हम जो सोच रहे हैं वही सही है। तो ऐसा नहीं होता है बेटा, मतलब अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो सब कुछ पढ़िए। मैं तो यही बोलूँगा, हमेशा एडवाइस यही दूंगा मैं आपको। चलिए, तो एक इन्फॉर्मेशन वो, और दूसरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019, बड़ा इवेंट ये भी था और इसकी भी न्यूज़ हमने आपको दे दी है यहाँ पर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, एनवायरमेंट और इकोलॉजी की बात करते हैं। तो अभी आपने देखा हुआ कि लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा फ्लड आ गया था हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। तो उसी के लिए क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने काजीरंगा नेशनल पार्क और उसके आसपास के एरिया में जो माइनिंग होती है उस पर बैन लगा दिया है। तो खनन पर प्रतिबंध लग गया है। आइए इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। The Supreme Court has banned all mining activities along the Kaziranga National Park and catchment areas of river originating in Karbi अंगलोंग हिल्स इन असम। तो काजीरंगा नेशनल पार्क और कार्बी एंगलोंग हिल्स, जहाँ से कुछ नदियाँ निकलती हैं, उन सब एरियाज़ में क्या है, खनन पे प्रतिबंध लग गया है असम में। जो कि लास्ट ईयर काफ़ी जंतु बेचारे मर गए थे, जो कि असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में फ्लड आया था उसकी वजह से, ठीक है। तो ये देख लीजिए, अ बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस अरुण मिश्रा एंड दीपक गुप्ता, तो इन्होंने ये एक फैसला लिया है। असम गवर्नमेंट को नोटिस भेजा है और असम गवर्नमेंट को 3 वीक का टाइम दिया है अपना जवाब देने के लिए। तो देख लीजिए, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि किस नेशनल पार्क के आसपास खनन एरिया पर बैन लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसका आंसर क्या होगा, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लिस्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। हमारे देश में कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं, काफ़ी स्टैटिक पॉइंट हमने आज आपको दिए हैं ताकि आप इसे याद कर लीजिएगा। चलिए, तो ये पॉइंट हो गया हमारा। आगे बढ़ेंगे, एक्स्ट्रा हाईलाइट की बात करेंगे, बहुत सारी न्यूज़ यहाँ पर भी हैं। तो IDRBT सेट अप 5G लैब फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। तो बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर के लिए 5G लैब बनाया जा रहा है। टेस्टिंग यहाँ पर होगी 5G का यूज़ कैसे बैंकिंग सेक्टर में हो सकता है। देखिए, द इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी IDRBT, एन आर्म ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में काम करने वाली एक इंस्टीट्यूट है जो कि हमारे देश में बैंकिंग टेक्नोलॉजी को प्रमोट करती है। बैंकिंग टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने का मतलब नई चीज़ें, फॉर एग्जांपल जैसे आप UPI देखते हैं या फिर कोई किसी टाइप का डेबिट कार्ड देखते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी देखते हैं, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर काम करने वाला एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है। देखिए, तो इन्होंने क्या किया है, हैज़ लॉन्च अ 5G यूज केसेस लैब फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। Department of Telecommunication had already launched test bed of 5G use in academia in Hyderabad, Chennai and Bangalore to develop 5G for India use। देखिए, इसको सिंपल करते हैं, इतना समझिए कि बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर में 5G को लाने के लिए पहले से ही टेस्टिंग चल रही है। शुरुआत किसने की है, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। इतना बस पढ़ना है आपको पूरी कहानी में, ठीक है। ये हमारी आज की पहली न्यूज़ थी। आते हैं, बढ़ते हैं आज के दूसरे न्यूज़ पर। बजाज फिनसर्व एक कंपनी है ये भी एक NBFC है और यहाँ से भी आप लोन ले सकते हैं। देखिए क्या मतलब इसका है। तो बजाज फिनसर्व लॉन्चेस इंडस्ट्री फर्स्ट प्रपोजन टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑन EMI। तो आप अपने बिजली के बिल को EMI के तौर पर पे कर सकते हो। कैसे, आइए आपको समझाते हैं। देखिए, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, बजाज फाइनेंस लिमिटेड एक एनबीएफसी है जो आपको लोन बांटती है। बजाज फाइनेंस लिमिटेड हैज लॉन्च द हैशटैग बिजली ऑन EMI कैंपेन वेयर इन कस्टमर बाइंग एयर कंडीशनर विल ऑल्सो हैव द ऑप्शन टू पे फॉर देयर इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑन EMI। तो अगर आप AC खरीदते हो, अगर आप AC खरीदते हो तो आपके पास एक ऑप्शन हो जाएगा अपने बिजली के बिल को EMI के तौर पर देने का। कैसे, देखिए, Customers buying air condition of rupees 20,000 and above will be eligible for an instant credit loan of rupees 5,000। तो अगर आप 20,000 या उसके ऊपर के AC खरीदते हो तो आपको 5,000 रुपए का इंस्टेंट तुरंत बजाज फिनसर्व लोन देगा, और इस लोन को आप मतलब क्या करेंगे, EMI के फॉर्म में भर सकते हो अपने बिजली के बिल पे। ठीक, आगे देखिए, और अगर आप 40,000 से ऊपर का AC खरीदते हो तो आपको 7,000 का इंस्टेंट क्रेडिट लोन मिलेगा टू देयर वॉलेट, मतलब आपका एक ऑनलाइन वॉलेट बना जाएगा, उसमें दिया जाएगा। और फिर आप AC घर पे लगा लो, जो बिजली के बिल्स आ रहे हैं उसको आप पे कर सकते हो इसके थ्रू। तो ये देख लीजिए यहाँ पर था। तो ये हमारी आज की दूसरी न्यूज़ थी। आगे बढ़ते हैं, आज के तीसरे न्यूज़ की बात करते हैं। 3 टीम फ्रॉम इंडिया आर अवॉर्डेड इन नासा ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज। ये रोवर क्या होता है, आपने देखा होगा कभी कभी एक इमेज आती है किसी ग्रह पर 4 पहियों की एक गाड़ी होती है जो घूमती रहती है, उसे हम रोवर बोलते हैं। तो नासा ने इनवाइट किया था कि जो हमारे अपकमिंग मिशन है लाइक मून पर है या मार्स पर है, तो उसके रोवर्स के डिज़ाइनिंग के लिए कॉम्पिटिशन होता है। तो उस कॉम्पिटिशन में इंडिया के 3 टीमों को अवार्ड मिला नासा की तरफ से। ये मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, तो नासा हैज़ अवॉर्डेड 3 टीम्स फ्रॉम इंडिया एज पार्ट ऑफ इट्स एनुअल ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज विच इन्वाइट हाई स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट टू बिल्ड एंड टेस्ट रोविंग व्हीकल फॉर फ्यूचर मिशन टू द मून, मार्स एंड बियॉन्ड। ये तो मालूम चल गया आपको। आगे बढ़िए, तो द टीम फ्रॉम काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश वॉन द AIAA नील आर्मस्ट्रॉन्ग बेस्ट डिज़ाइन अवार्ड। इसके बाद मुकेश पटेल स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र वॉन द फ्रैंक जो सेक्टन मेमोरियल पिट क्रू अवार्ड। तो ये हमारी दूसरा इंस्टीट्यूट था जिसे ये अवार्ड मिला है। और तीसरे की बात करें तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब की इसे स्टेम एंगेजमेंट अवार्ड दिया गया है। तो हमने तीनों अवार्ड की बात कर ली, किसको उसको मिला ये भी हमने बात कर ली आपसे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा हाईलाइट में न्यूज़ नंबर 4 की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात कर रहे हैं। तो चाइना डेवलप वर्ल्ड फर्स्ट आर्म्ड एम्फीबियस ड्रोन बोट। तो चीन ने दुनिया की पहली सशस्त्र उभयचर ड्रोन बोट विकसित कर ली है। ड्रोन का मतलब क्या हुआ, इसमें कोई होगा नहीं, आप इसे रिमोट से चला सकते हैं। और गजब की बात यह है कि ये पानी में एज वेल एज ज़मीन पर दोनों पे चल सकती है। मतलब बढ़िया है, अच्छा इन्वेंशन है। देखिए, द वर्ल्ड फर्स्ट आर्म्ड एम्फीबियस ड्रोन बोट नेम्ड मरीन लिजार्ड इसका नाम होगा एंड गाइडेड बाई चाइना। तो चाइना के बेइदो नेविगेशन सैटेलाइट से ये गाइड होगी। हैज़ बीन सक्सेसफुली टेस्टेड बाय चाइना। तो चाइना ने इसका सफल परीक्षण कर लिया है, मतलब सैटेलाइट से कनेक्टेड होगी और आप इसको रिमोट के थ्रू चला सकते हैं और ये पानी पर और ज़मीन पर दोनों तरह से काम करेगी। इसका नाम है मरीन लिजार्ड। ये देख लीजिएगा यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसे किसने बनाया है, तो इसे चाइना की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के वुचांग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ग्रुप ने इसको बनाया है। देख लीजिए, ये भी आपको हमने इन्फॉर्मेशन दे दी है। आगे बढ़ते हैं। द ड्रोन शिप हैज़ अ मैक्सिमम ऑपरेशन रेंज ऑफ 1200 किलोमीटर। तो 1200 किलोमीटर की इसकी रेंज होगी, ठीक है, और इसको सैटेलाइट के थ्रू भी कंट्रोल किया जा सकता है और दूर से। ठीक, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दी। आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा हाईलाइट में न्यूज़ नंबर 5 की बात आपसे करने के लिए जा रहे हैं। द 4th रिजिलिएंट सिटीज़ एशिया पैसिफिक कांग्रेस 2019 स्टार्टेड इन न्यू दिल्ली। चौथा रिजिलिएंट सिटीज़ एशिया पैसिफिक कांग्रेस नई दिल्ली में शुरू हुआ। इसका मतलब होता है कि जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं जो उसको सॉल्व करने के लिए ये एक तरह का इंटरनेशनल समिट है, एक तरह का। ठीक है, देखिए यहाँ पर 4th एडिशन है, ये याद रखिएगा। द 4th रिजिलिएंट सिटीज़ एशिया पैसिफिक कांग्रेस, इसका इनॉग्रेशन न्यू दिल्ली में हो चुका है और 17 अप्रैल, मतलब कि आज ये ख़त्म होगा, आज ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक, इसके बारे में बात करें तो देखिए, तो इस समिट को 2010 में शुरू किया गया था और इसके पहले बैंकॉक, मलेशिया ने इसको पहले ही देखा हुआ था, लॉन्च किया हुआ था। अभी ये इंडिया में हो रहा है इस बार ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूज़ नंबर 6 की बात करते हैं। तो कैबिनेट अप्रूवल विद फॉरेन कंट्रीज़ ऑन अप्रैल 15, 2019। अब 15 अप्रैल को कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग हुई, तो फॉरेन कंट्री के साथ किस किस डील को हमारे अप्रूवल मिला हम उसकी बात यहाँ पे करने जा रहे हैं। देखिए, तो कैबिनेट अप्रूव्स पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड डेनमार्क इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। पहला पॉइंट याद करने वाला। कैबिनेट अप्रूव एमओयू बिटवीन इंडिया एंड द रिपब्लिक ऑफ कोरिया टू इशू ज्वाइंटली पोस्टेज स्टैम्प, इसको भी अप्रूवल मिल गया है। आगे बात करें, इंडिया एंड ब्राज़ील के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था इन द एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसको भी अप्रूवल मिल गया है। कैबिनेट अप्रूव एमओयू बिटवीन इंडिया एंड बोलीविया इन द फील्ड ऑफ जियोलॉजी एंड मिनरल रिसोर्सेज, इसको भी अप्रूवल मिल गया है। कैबिनेट अप्रूव एमओयू बिटवीन इंडिया एंड कंबोडिया इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, इसको भी अप्रूवल मिल गया है। कैबिनेट अप्रूव एमओयू बिटवीन इंडिया एंड बोलीविया इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, इसे भी अप्रूवल मिल गया है। तो ये सब आपका रिवीजन भी हो गया कि इंडिया ने किस किस कंट्री के साथ एमओयू साइन किया था, किस किस मुद्दों पर, जिसे अभी कैबिनेट कमेटी का अप्रूवल मिल गया है। ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ना है। आगे बात करते हैं न्यूज़ नंबर 7, ये आपका स्पोर्ट्स का एक क्वेश्चन है। तो अभी हमारे देश में 2019 सुपर कप हो रहा था फुटबॉल का, जिसे एफसी गोवा ने जीत लिया है चेन्नईयन एफसी को हराकर। कहां पर? कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में 2019 सुपर कप टूर्नामेंट हो रहा था, जिसे गोवा एफसी ने जीत लिया है। आपके सामने ये न्यूज़ है, यहाँ पर देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूज़ नंबर 8 की बात करते हैं। तो महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस में जो लोग काम करते हैं, तो यहाँ पर मुंबई पुलिस के लिए 100 सैनिटरी वेंडिंग मशीन्स लगाई जाएंगी पूरे महाराष्ट्र में। यहाँ पे देख लीजिए, अंडर दिस प्रोजेक्ट 140 सैनिटरी पैड मशीन्स विल बी इंस्टॉल्ड एट 93 पुलिस स्टेशन अक्रॉस द सिटी। तो ये एक्स्ट्रा लाइट में हमारा नेक्स्ट न्यूज़ था, पढ़ लेंगे इसे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं न्यूज़ नंबर 9 की। न्यूज़ नंबर 9 की बात करते हैं तो ग्रीनम एनर्जी ने तूतीकोरीन में अपना पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इस्टेब्लिश किया है। ग्रीनम एनर्जी कंपनी है जिसने तूतीकोरीन में अपना पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इस्टेब्लिश किया है, जिसकी क्षमता 24 मेगावाट होगी। 24 मेगावाट होगी ग्रीनम एनर्जी तूतीकोरीन फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, और 24 मेगावाट इसकी कैपेसिटी होगी। तो ये इंफॉर्मेशन आपके सामने है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूज़ नंबर 10 की बात करते हैं तो स्वीडिश एक्ट्रेस बीबी एंडरसन पास्ड अवे। स्वीडन की एक्ट्रेस है बीबी एंडरसन, जिनका निधन हो गया है। ये भी पॉइंट हमने आपको दे दिया। देखिए, निधन हो गया है, आपको बस नाम और इनका फील्ड पता होना चाहिए, पूरी कहानी पढ़ने से मतलब नहीं है। आपके एग्जाम में इतना डीप में नहीं पूछा जाता है। ठीक, तो बीबी एंडरसन स्वीडिश एक्ट्रेस थी, जिनका निधन हो चुका है, 14 अप्रैल को हुआ है, ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको बात यहाँ पे रिसेंट ऑबिट्रीज जनवरी की हमने आपको लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। फरवरी मार्च हम पहले भी आपको दे चुके हैं, शायद आपको याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूज़ नंबर 11 की बात करते हैं तो प्रजनेश गुणेश्वरन की रैंक अब 80 हो गई है। अगर हम बात करते हैं ATP वर्ल्ड रैंकिंग की, तो ये 80 नंबर पर पहुँच गए हैं, देख लीजिए यहाँ पर। ठीक, 15 अप्रैल को रैंकिंग आई है, तो इनकी रैंक 80 हो गई है। आगे बात करें, न्यूज़ नंबर 12 की बात करते हैं तो डेटा मैटिक्स को IMC अवार्ड दिया गया है। डेटा मैटिक्स कंपनी क्या है, आइए इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो डेटा मैटिक्स ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड वॉन IMC डिजिटल टेक्नोलॉजी अवार्ड अंडर द एक्सेलेंस इन एमर्जिंग टेक्नोलॉजी कैटेगरी फॉर ट्रूबोट, इट्स रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन प्रोडक्ट एंड ट्रू AI, इट्स AI प्लेटफॉर्म। तो ये रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। इसे IMC डिजिटल टेक्नोलॉजी अवार्ड मिला है। कंपनी का नाम है डेटा मैटिक्स ग्लोबल सर्विस लिमिटेड। ठीक है, ये अवार्ड सेरेमनी मुंबई में हुआ था, ये भी इंफॉर्मेशन आपको दिखा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अपना न्यूज़ नंबर 1 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, और जल्दी जल्दी आपको उसका आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, द इम्पोर्ट मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ ऑल मेडिकल डिवाइसेस विल नाउ नीड टू बी सर्टिफाइड बाय CDSCO। व्हाट डज D स्टैंड फॉर इन CDSCO? तो अभी आपको करना क्या है, आपको इसका फुल फॉर्म, अगर आपको याद नहीं है तो इसका फुल फॉर्म, क्या आप लोग एब्रीविएशन का अलग से पेज बना रहे हैं क्या? जो कि मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि एब्रीविएशन से क्वेश्चन आते हैं। तो होता क्या है ना बेटा, कि जब आपको कोई चीज़ समझाई जाती है उसे आप करते हैं, नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो कर लिया करिए। तो ये एब्रीविएशन का पॉइंट है, इसको अभी आप अपने से नोट्स बनाएंगे। अगर आपने अभी तक एब्रीविएशन के लिए अलग से कोई पेज नहीं बनाया तो आज से बनाना शुरू कर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? ड्रग्स यहाँ पर है, CDSCO का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। India's steel export to the US in 2018 declined by how much percent? To $372 million। आपको दूसरे क्वेश्चन का अब आंसर देना है, क्या इसका आंसर होगा? देख लीजिए, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। व्हाट इज द आंसर? एंड द आंसर इज 49%। 49% है ना, कल ही आपको शायद पढ़ाया गया था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इंडिया इज ज्वाइनिंग हैंड्स विद दिस कंट्री and the United Arab Emirates to implement 2 project in Africa। तो क्या है, आपको शायद पढ़ाया गया था, इंडिया ने जापान के साथ भी एग्रीमेंट किया था और UAE के साथ। जापान के साथ एग्रीमेंट किया था केन्या में कैंसर हॉस्पिटल बनाने के लिए, शायद आपको याद होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं ना। एज पर द मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट रिपोर्ट, द एडवेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी विल डिस्प्लेस अप टू 45 million जॉब्स बाई विच ईयर। तो इनके ये बड़ी बुरी खबर है सबके लिए। मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल तकनीकों के आगमन से इस ईयर तक 45 मिलियन नौकरियों को खतरा होगा। क्या इसका आंसर होगा? देख लीजिए, and the answer is option number 3, 2025। 2025 is right answer। Okay, let's move to our question number 5। The Cabinet Committee on Economic Affairs approved to extend the duration of new urea policy year, आपको बताना है, for existing gas based urea unit from 1st April 19 until further order। तो मतलब कि 1st अप्रैल से इसे लागू कर दिया गया है, जब तक कि नेक्स्ट ऑर्डर नहीं मिलते कब तक होगा। तो ये न्यू यूरिया पॉलिसी का ईयर आपको बताना है, क्या है? अच्छा, ये 2025। इसका आंसर क्या होगा? 2015। आपको ये पढ़ाया गया है ना, 2015। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। विच स्टेट हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट द एम्प्लॉय ऑफ RBI कैन नॉट बी रेफर्ड टू एज गवर्नमेंट सर्वेंट वाइल आइडेंटिफाइंग देयर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस? व्हाट इज द आंसर? क्या इसका आंसर होगा? देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं। एंड द राइट आंसर इज मद्रास। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 7। ओके, होलसेल प्राइस बेस्ड इन्फ्लेशन रोज फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव मंथ टू दिस परसेंट इन मार्च ऑन कॉस्टलियर फूड एंड फ्यूल एज पर गवर्नमेंट डेटा। देखिए, जब भी WPI या CPI के क्वेश्चन बनते हैं तो हर मंथ का याद नहीं करना चाहिए हमें। अगर क्वार्टरली हमको मालूम हो, 6 मंथली हमको मालूम हो या एनुअली मालूम हो तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज हर मंथ का हम कैसे पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए हमारे एग्जाम मई जून में होने वाले हैं तो आपसे ये नहीं पूछेगा ना कि मार्च के महीने में इन्फ्लेशन कितना था या जून के महीने में। आपसे ये बोल सकता है कि फर्स्ट क्वार्टर में कितना था या इस साल, मतलब जनवरी से लेकर अभी तक इन्फ्लेशन कितना था। तो इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन कराता नहीं हूँ आपको। इसका आंसर वैसे 3.18% है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इन मोटर रेसिंग हु वॉन द चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स फॉर अ सेकंड और रिकॉर्ड 6 टाइम इन अप्रैल 2019। तो आपसे पूछा गया कि चीनी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात कर रहे हैं। व्हाट इज द आंसर? एंड द आंसर इज लुइस हैमिल्टन। ऑप्शन नंबर 4। आपको ये पता है, आपको पढ़ाया भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। हु वॉन गोल्ड इन द 54 kg कैटेगरी इन द बॉक्सिंग वर्ल्ड कप विच कंक्लूडेड एट कोलोग्ने जर्मनी इन अप्रैल 2019? चलिए इसका आंसर दीजिए। आपको मैंने कल पढ़ाया था ये, स्पोर्ट्स में रिवीजन वाले पॉइंट में मैंने ये पढ़ाया था। कुछ लोगों का रिवीजन से काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं वो लोग कि रिवीजन नहीं होना चाहिए, शो का टाइम लंबा होता है, लेकिन मैंने ये कल रिवीजन में ही पढ़ाया था। इसका आंसर क्या है? मीना कुमारी। तो ये हमें याद रखना है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। हु वॉन द मास्टर्स टाइटल इन गोल्फ इन अप्रैल 2019? तो गोल्फ में मास्टर्स का खिताब किसने जीता है और आपको ये पता ही है, और इनका ये 15वां मेजर टाइटल था। इनका नाम है टाइगर वुड्स। ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। हु वॉज इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पैलेस्टीन इन अप्रैल 2019? फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, किसको चुना गया है? तो पता है हमको क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा मोहम्मद इश्तियाक। ऑप्शन नंबर 3। आपको ये पता है, पढ़ाया गया है ना। चलिए आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। दिस कंट्री इज सेट टू होस्ट द वर्ल्ड फॉरमोस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI समिट टू एम्पावर ग्लोबल डायलॉग ऑन द फ्यूचर ऑफ गवर्नमेंट, बिजनेस एंड सोसाइटी। तो कल ही आपको मैंने पढ़ाया था ये समिट के बारे में। ये कहाँ पर होगी? तो ये होगा UAE में। ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ग्रीटेड सिटीजन on Vishu, Bhong Bihu and Naba Barsha. Bhong Bihu is celebrated as a which state new year? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विशु, बोहाग बिहू और नबा वर्षा के में नागरिकों का अभिवादन किया है। बोहाग बिहू को किस स्टेट के नए साल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा असम। ऑप्शन नंबर 2, असम इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। Where was a half marathon conducted in April 2019 to mark the 100th birth century of the legendary marshal of the Indian Air Force Arjan Singh? तो ये कहाँ पर हुआ? ये भी पढ़ाया था मैंने आपको शायद। ये कहाँ पर हुआ? ये दिल्ली में हुआ। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। Who among the following received the UNESCO Guillermo Cano Press Freedom Prize 2019? तो यूनेस्को गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज किसे प्राप्त हुआ है? कल की न्यूज़ थी शायद, ये भी आपको पढ़ा गया है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बोथ 1 और 2, मतलब कि वालोन और क्या सो ओ, पढ़ाया गया था आपको कल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की। द लार्जेस्ट एयरप्लेन एवर क्रिएटेड एंड इट्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग हाउ मच फुट विंग स्पैन टूक ऑफ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन अप्रैल 2019? अब तक का सबसे बड़ा हवाई जहाज़ बनाया गया है और अप्रैल 2019 को पहली बार रिकॉर्ड तोड़ कितने फुट की उड़ान भरी है इसने, ये आपसे पूछा गया है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 385 फुट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर्स साउथ एशिया बोर्ड इन अप्रैल 2019? रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर्स के दक्षिण एशिया बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया है? यहाँ पर 5 ऑप्शन आपके पास हैं और इसका सही आंसर है संजय दत्त। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिलीज अ बुकलेट ऑफ द सेलेक्टेड स्पीचेस ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन न्यू दिल्ली इन अप्रैल 2019? नई दिल्ली में संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चुनिंदा भाषणों की पुस्तिका किसने जारी की है? And the answer is option number A, so A Suryaprakash. A Suryaprakash is right answer. दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने 19 क्वेश्चन की। Who was appointed as the brand ambassador of Fantasy 11 in April 2019? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मुरली कार्तिक, शायद पढ़ाया गया है आपको, है ना। आइए और आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Where have scientists identified a new human ancestor species named Homo lugenesis? वैज्ञानिकों ने कहा एक नई मानव पूर्वज प्रजाति की पहचान की है जिसका नाम होमो लुजेनेसिस रखा गया है, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दें, मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ और जो बच्चे ऑफलाइन में देखेंगे वो हमारे डिस्क्रिप्शन से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो बेटा ये रही आपकी पीडीएफ। तो ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर फिलीपींस होगा, बिल्कुल सही आंसर आपको दे रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग। आप लोग आते हैं, पढ़ते हैं काफ़ी और काफ़ी अच्छे से नॉलेज भी रखते हैं अपने पास। इस ऑनलाइन चीज़ों के आने से एक बात तो साबित हो गई है कि स्टूडेंट जो हैं काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखने लगे हैं। पहले से कंडीशंस चेंज हुई है, आपको बेटर कंटेंट मिल पा रहा है स्पीडली आपके घर तक, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑनलाइन स्टडीज़ का फ़ायदा उठाइए, कंपैरिजन करिए, आपको यहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है, आपको और चैनल पे क्या पढ़ाए जा रहे हैं, और जहाँ पर आपको बेस्ट कंटेंट मिले आपको वहीं पर जाना है। इस दुनिया में इमोशनल होने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है। इस दुनिया में आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा और आपको क्लेवर भी बनना पड़ेगा। ठीक है, और सबसे बात ये होती है कि जहाँ से बेस्ट कंटेंट मिले आप उसे ग्रैप जरूर करिए। आपको नहीं, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, आप बाहर नहीं आ सकते हैं, तो अब ये ऑनलाइन चीज़ें आपके घर पे आ गई हैं। बस आपको इंटरनेट पैक जो है उसको थोड़ा सा बियर करना पड़ेगा। आप चाहें तो अपने घर में वाईफाई भी लगवा सकते हैं, क्योंकि अगर आप पढ़ने के लिए लगवाएंगे तो कोई मना नहीं करेगा आपको। ठीक है, वो आपके ऊपर है, अप टू यू। अच्छे से पढ़ते रहिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस। अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करिएगा। थैंक यू सो मच।